नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता रवि दहिया, मीराबाई चानू समेत सभी पदक विजेता उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 अगस्त को सम्मानित करने वाले हैं। इसके अलावा चौथे स्थान पर रही गोल्फर अद्वितीय अशोक और महिला हॉकी टीम की सभी को सम्मानित किया जाएगा। इकाना स्टेडियम में होने वाले इस समारोह में खिलाड़ियों को करीबन 43 को 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि दी जा रही है। देश के इतिहास में पहला मौका होगा जब कोई राज्य खिलाड़ियों को इतनी बड़ी मात्रा में जो है पुरस्कार राशि देने वाला है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए 75 अन्य खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के सरकार ने 2 और शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू करने की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। इसके तहत 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को इस प्रणाली के अधीन रखा जाए, इस तरीके का मानक तय हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की समीक्षा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और कानपुर में यह प्रणाली पहले से ही लागू है, तो वहीं गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ में यह प्रणाली कैसे लागू की जा सकती है और कितनी बेहतर तरीके से लागू की जा सकती है, इस पर लगातार विचार चल रहा है। बाढ़ से सूबे के 2 दर्जन से ज्यादा जिले प्रभावित हैं। लोगों के घर डूब चुके हैं, नाव के जरिए उनको निकाला जा रहा है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वांचल के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया। विभाग से मिली जानकारी के हिसाब से संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर और आसपास के इलाकों और आजमगढ़, गोरखपुर, अयोध्या और आसपास के तमाम इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। सीएम आज गाजीपुर और बलिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित कर रहे हैं। गाजीपुर में इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें हैं। कहीं हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है तो कहीं पर धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर उतरकर सीएम योगी आदित्यनाथ सर्वेक्षण कर रहे हैं। 5 तस्वीरें वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बागेश्वर और प्रतापगढ़, हर जगह जहां तक नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। पहले बारिश, फिर बाढ़, फिर तबाही। यमुना, वरुणा, तमाम जो जल नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रदेश में बचाव कार्य के लिए 976 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीएम ने कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया तो कई जिलों पर ग्राउंड पर भी उतरे, सड़कों पर, सड़क मार्ग के जरिए। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोट पर बैठकर बाढ़ प्रभावित जगहों का जायजा लिया है। सीएम योगी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा सीएम जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए समीक्षा भी कर रहे हैं तमाम क्षेत्रों की। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक साथ 5 जिलों की तस्वीरें हैं जिसपे आप देख पाएंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की, औरैया, हमीरपुर, वाराणसी, इटावा, जालौन। तो वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नागपंचमी के त्योहार के पर्व की बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी प्रदेशवासियों, श्रद्धालुओं को नाग देवता की उपासना के पावन पर्व नागपंचमी की अनंत शुभकामनाएं हैं। ये पर्व सभी प्राणियों के प्रति कल्याण का भाव रखने वाली हमारी सनातन संस्कृति की उदारता और सभी जीवों और प्रकृति के मध्य आत्मीय संबंध का प्रतीक है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वहां का लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। गाजीपुर और बलिया में आज सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बलिया से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, क्या कुछ अपडेट है? बता दें, बलिया में बाढ़ की जो स्थिति है काफी
तीन सेंटीमीटर, खतरे के निशान से तीन सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और कई गांव प्रभावित हैं, कई सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इसी का दौरा करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, जो पहले हवाई सर्वेक्षण करेंगे कई गांव का, बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद 11:50 पे बलिया के मालदेवपुर विद्यालय, नागाजी विद्यालय है, जहाँ पे वो बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे और कई अधिकारियों के, जनपद के अधिकारियों से वार्ता करेंगे, बाढ़ में कैसे लोगों को राहत पहुंचाया जाए। इसके बाद मीडिया ब्रीफिंग कर रवाना होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज ही के दिन नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और सबसे अहम बात कि आज के दिन से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिसको साकार रूप आज का दिन देता है। कई जगहों पर गुड़िया पीटने की प्रथा है, तो कहीं पर आज से ही भगवान मंदिरों से निकल करके झूला झूलने लगते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। चार सौ 98 वर्षों बाद रामलला चांदी के झूले में झूला झूलेंगे। 21 किलो चांदी से तैयार हुआ है रामलला का झूला। श्रावण मास में झूलन महोत्सव का है खासा महत्व। रामनगरी अयोध्या जिसका हर रंग निराला है, और जब बात रामलला से जुड़े झूला महोत्सव की हो तो कहना ही क्या। 11 अगस्त से अयोध्या में झूला महोत्सव की शुरुआत हो गई। हालांकि इस बार कोरोना के चलते अयोध्या में झूला महोत्सव हर बार की तरह धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है और इस बार मणि पर्वत पर भी कोई खासा कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन मंदिरों में भगवान को रक्षाबंधन तक झूला झुलाया जाएगा और गीत जरूर सुनाए जाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में भी इस बार के उत्सव की अलग छटा है, क्योंकि रामलला 21 किलो चांदी के झूले में झूलेंगे। साथ ही श्रावण मास में शुरू होने वाले झूलन महोत्सव का आनंद लेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि रामलला के लिए चांदी का विशेष झूला बनवाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने झूले की फोटो शेयर करते हुए बताया कि इस बार रक्षाबंधन तक रामलला इसी विशेष झूले में झूला झूले। वर्ष का झूलन उत्सव हम नागपंचमी के दिन शुरू करेंगे और यह इसको चौथ के दिन माने 12 तारीख को ही झूला आ जाएगा। अभी झूला वहां आया नहीं है और चांदी का झूला बन गया है और 12 को रात में झूलन झूला को लगा दिया जाएगा और 13 जो नागपंचमी है उसी दिन से यह भगवान श्री राम अपने चांदी के पालने पर झूलेंगे। अयोध्या में हर साल श्रावण शुक्ल तृतीया को झूलन महोत्सव की शुरुआत होती है। इस मौके पर अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों से विग्रह मणि पर्वत तक पालकियों में गाजे बाजे के साथ जाते हैं और वहीं पर झूला झूलते हैं। मणि पर्वत वही जगह है जहां माता सीता झूला झूलने आया करती थी, इसीलिए हर साल श्रावण शुक्ल तृतीया को यहाँ बड़े महोत्सव का आयोजन होता है और यहाँ भगवान के विग्रह झूला झूलने के साथ ही पूरे देश में झूलन महोत्सव का आगाज हो जाता है। मणि पर्वत पर मंदिरों के विग्रह के झूला झूलने के बाद मंदिरों में झूले पड़ते हैं और भगवान को झूला झुलाया जाता है और उन्हें सावन के गीत भी सुनाए जाते हैं और इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या आते हैं। लेकिन इस बार झूलन महोत्सव पर कोरोना का साया है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि रामलला के दर्शन तो होंगे लेकिन एहतियात के साथ। जनता टीवी के लिए अयोध्या से बीएस लाठी और डेस्क से पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट।
तो नाग पंचमी के मौके पर तमाम जगहों पर शिव की पूजा भी चल रही है, नाग देवता को दूध चढ़ाया जा रहा है, साथ में अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परंपरा है। वाराणसी में नागकूप है तो वहीं अयोध्या में आज से श्री राम लला चांदी के झूले में झूला झूलने वाले हैं। तो रुख करेंगे सीधे वाराणसी का भी और अयोध्या का भी। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वाराणसी से धर्मेंद्र हैं और अयोध्या से बीएस लाठी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो चूंकि हमने राम जी के झूले का और उनके झूलन उत्सव का जिक्र किया है तो सबसे पहले अयोध्या का रुख करेंगे। बीएस लाठी, क्या कुछ हटा देखने को मिल रही है? हालांकि इस बार मेला नहीं लगा है, उत्सव के तरीके से उत्सव नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह तो होगा। देखिए पूजा जी, जिस तरह से कोरोना का खतरा मर रहा है इस समय सावन झूले पर, कल से सावन झूला मेला जो 11 दिन चलता है, वहां से भगवान का परंपरागत से जो कई वर्षों से मनाया जा रहा है, वहां भगवान के जो स्वरूप हैं वहां से निकल के मणि पर्वत पे आते थे, वहां झूला झूलन थे, वहीं से झूलन तो की शुरुआत होती थी। अब की रामलला की अगर बात की जाए तो रामलला भी पिछले साल 5 अगस्त के बाद से कोरोना का वो चल रहा था, अब की बार जब झूला उत्सव की बात आई तो कोरोना का खतरा ये जरूर है कि ट्रस्ट ने चांदी का राम का झूलन एक सौंपा है, उसी में राम को आज से झुलाया जाएगा और जो अयोध्या के जितने भी भगवान श्री राम के स्वरूप हैं वो अपने अपने मंदिरों में बैठ करके सोने के और चांदी के पल्ले में झुलाया जाएगा, जिससे देश के कोने कोने से जो भी श्रद्धालु आते थे या जो आए हैं वो रामलला का दर्शन करेंगे और पूजा अर्चन करेंगे। जी पूजा, बिल्कुल बीएस लाठी, रामलला के दर्शन लोग कर सकते हैं लेकिन एहतियात के साथ, आरटीपीसीआर रिपोर्ट कंपलसरी होगी अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो। वाराणसी में क्या कुछ ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं, हमारे साथ में धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि जो पारंपरिक परंपराएं थी, आज के दिन शास्त्रार्थ होता था नागकूप पर, लेकिन फिलहाल ये वर्चुअली आयोजित किया गया है। देखिए पूजा, चूंकि कोविड गाइडलाइन है तो मेले का जो नागकूप का आयोजन होता है वो इस बार नहीं किया गया है, लेकिन जो नागकूप की मान्यता है काशी में, यहाँ भगवान शेषा शुक्ल पक्ष के पंचमी में यहाँ आए थे और अपने परिवार के साथ वास किए, तो यहाँ की मान्यता सबसे बड़ी है, यहाँ जो दूध लावा नागकूप में चढ़ाता है उसको काल सर्प दोष और तमाम विविधाओं से जो है मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि नागकूप में भगवान शेष नाग का खुद वास है, उनके नागकूप में जल चढ़ाने के बाद, शिव मंदिर है शिवाला मेरे पीछे ठीक यहाँ देख रही, इसमें जल चढ़ाया जाता है शिव जी को, उसके बाद जितने काल सर्प दोष होते हैं और भय होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। चूंकि हजारों वर्ष से परंपरा चली आ रही है, ये पौराणिक भी मान्यता इसकी है। जी पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, राजधानी के मोहनलालगंज में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आइए एक दीप जलाएं, शहीदों के नाम मुहिम की शुरुआत होगी। मोहनलालगंज के एसडीएम डॉक्टर शुभी काकन ने इस मुहिम में लोगों को 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर एक दीप प्रज्वलित करने का आह्वान किया है। देखिए, दान से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, उनके नाम एक दिया जलाने की मोहनलालगंज एसडीएम शुभी काकन के द्वारा एक मुहिम शुरू की जा रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीएम मौजूद, हम इनसे जानेंगे आखिर किस तरीके की मुहिम शुरू की जा रही। मैम, आपने एक मुहिम शुरू की है, किस तरह की पूरी मुहिम है ये? तहसील क्षेत्र में सभी क्षेत्रवासियों को ये अपील की जा रही है कि 14 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे शाम 7 बजे जो है, सभी लोग अपने घरों में दिए जलाएं, आधे घंटे का समय दे दें, शहीदों को याद करें, नमन करें, इस तरीके से एक देशभक्ति की भावना सामूहिक रूप से उजागर होगी और संचार होगा। और मुझे लगता है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो धार्मिक जो पर्व हम अपना सेलिब्रेट करते हैं जिस धूमधाम से, उसी स्तर से या उससे भी बढ़ चढ़ के इसमें जो है पार्टिसिपेशन हो लोगों का। ये जो आप अपील कर रही हैं, लगभग इस अपील में कितने लोगों के जुड़ने की जो है आपने संभावना जताई है? कोशिश की जा रही है कि सब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसमें जुड़े, सभी जो सरकारी प्रतिष्ठान है वहाँ पे ये कन्वे कर दिया गया है अपील के माध्यम से, और इसके साथ ही लोगों से भी कहा जा रहा है कि वो आधे घंटे का टाइम दे दें, खुद नगर पंचायत और सभी जगह निर्देशित कर दिया गया है कि घरों में दिए पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि 14 अगस्त को शाम 7 बजे दिए जला के शहीदों को याद करें। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीएम मोहनलालगंज शुभी काकन ने, जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों के नाम एक दिया जलाने की अपील कर रही है। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे देवभूमि का। उत्तराखंड में विधानसभा मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। समीक्षा बैठक में कोविड की वजह से नई नियमों में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड का विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 27 अगस्त तक के बीच में आयोजित होने वाला है और इस सत्र के काफी हंगामेदार होने की आशंका है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से अजीत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? बिल्कुल पूजा, आपसे कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होने जा रही है। और जिस तरह से 23 तारीख से लेकर 27 अगस्त तक ये विधानसभा का मानसून सत्र यहाँ पर होना है, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, किन नियमों के तहत यहाँ पर एंट्री दी जाएगी, तो इन तमाम विषयों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और मुमकिन है कि कोविड के चलते जो नियम कानून है विधानसभा के, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। और पिछले 2 सालों के दौरान जो सत्र हुए हैं उनमें नियमों का पालन होते हुए हमने देखा भी है कि कैसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यमों से विधायकों को जोड़ने की सुविधा दी गई थी, और जो लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे थे उनको पूरी तरह से सैनिटाइज कराने के बाद मास्क अनिवार्य किया गया था। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी जो कोविड के चलते यहाँ पर लागू की गई थी, और ये सब व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होने जा रही है। आगामी 23 अगस्त से जब विधानसभा का मानसून सत्र होगा तो मुमकिन है कि पूरी तरह से हंगामेदार होगा, क्योंकि मौजूदा सरकार का ये अंतिम सत्र होगा। तो ऐसे में विपक्ष भी चाहेगा कि चुनाव से ठीक पहले सत्र में पूरी तरह से भरपाई की जा सके, तो जो भी उनके विषय थे वो इसमें उठाने की पूरी तैयारी में है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में वक्त यहाँ पर फाइनल ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।